हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बुधवार को टाटीझरिया स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षा सत्र का विधिवत शुभारंभ पूजा अर्चना नारियल फोड़कर व फीता काटकर किया। सांसद ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। सभी पढ़ लिख कर देश के अच्छे नागरिक बने और सपने देश का नाम रोशन करें। वार्डन जोलन कुजूर ने सांसद के समक्ष विद्यालय में सुविधाओं के अभाव की जानकारी दी। बताया कि विद्यालय में वर्ग 6 से 12वीं तक 250 छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय परिसर में बड़े बड़े चट्टान है, पानी की कमी है, किचन शेड नहीं, आने जाने के लिए वाहन नहीं है, नियमित लाइट नहीं रहता। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाह दीवारी की ऊंचाई और होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 4 ही टीचिंग स्टाफ है। सांसद ने विद्यालय में संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने की बात कही। मौके पर प्रमुख संतोष मंडल, BDO रश्मि खुशबू मिंज, BEO राकेश कुमार सिंह, MK पाठक, योधी प्रसाद यादव, राजू यादव, राजेश यादव, परमेश्वर प्रसाद यादव, उपेंद्र पांडे, महेश अग्रवाल, सुखदेव पांडे, कृष्णा साव, सहदेव यादव, छुनछुन गुप्ता, विक्रम सिंह, सुरेश प्रसाद, लालचंद प्रसाद, अनिल प्रसाद, अमरेश सिंह, प्रकाश प्रजापति, छोटन साव, सिकंदर मंडल आदि मौजूद रहे। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। तब आपका क्या कर्तव्य बनता है बेटा, तुम लोग क्या कर्तव्य बनता है? ठीक करो। क्या कर्तव्य बनता है? हाँ, पढ़ाई भी करना है, खेलना भी है, सभी काम करना है, लेकिन ये समझ करके करना है कि सरकार तुम्हारे ऊपर में जो पैसा खर्च करती है इसलिए खर्च करती है कि तुम आगे चल करके इस कंट्री के, इस देश के अच्छे नागरिक बन सको और आगे जा करके इस देश की सेवा कर सको। इस बात के लिए तुम लोग को ये किया जाता है। अभी एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन अगर शेड में जाके लोग करते थे।